राजधानी में डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित निगम को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी ने फैसला किया है कि डेंगू से दिल्ली को बचाने के लिए 27 अक्टूबर से पूरी दिल्ली में फॉगिंग अभियान शुरू करेगी। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में अब तक सिर्फ 5 से 7% इलाकों में ही फॉगिंग हो रही है। डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने फॉगिंग अभियान चलाने का फैसला किया है। ग्रेटर कैलाश से विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी के सभी 62 विधायकों के अलावा सभी पार्षद अपने अपने वार्ड के मोहल्ला स्तर पर फॉगिंग अभियान चलाएंगे, जिससे डेंगू के बढ़ते मामलों को कम किया जा सके। उन्होंने निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में डेंगू फैलाने की साजिश रच रही है। उन्होंने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में निगम पार्षद के साथ मिलकर फॉगिंग अभियान की शुरुआत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से सक्षम है, और आज से दिल्ली में डेंगू मलेरिया अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिससे हमारा संकल्प है कि दिल्ली में से डेंगू को कम किया जा सके, जिसके लिए पार्टी के वॉलंटियर, निगम पार्षद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में गली गली मोहल्ले में फॉगिंग कराएंगे। देखिए, आज 27 अक्टूबर से सारी की सारी दिल्ली की 70 विधानसभाओं के अंदर डेंगू के खिलाफ फॉगिंग का अभियान हमने शुरू किया है। 62 विधायक जहां हमारे हैं वहां पर, और जहां जहां हमारे चुने हुए पार्षद हैं वहां पर, और जहां पर हमारा संगठन है, चुना हुआ विधायक नहीं है वहां पर, संगठन जो है इस फॉगिंग का काम करेगा और एक हफ्ते तक लगातार हम फॉगिंग करेंगे और दिल्ली का एक एक मोहल्ला, एक एक गली जो है हम इससे कवर करेंगे। दिल्ली में डेंगू के मामले हैं काफी बड़े हैं, देखिए दिल्ली के अंदर अक्टूबर में अमूमन इतनी बरसात नहीं होती, बरसात ज़्यादा हुई और हमने देखा कि एनसीडी को जो फॉगिंग करनी थी वो समय रहते नहीं की गई, जिसके कारण मच्छर अगर आप देखें बहुत बढ़ गए हैं। मलेरिया का जो स्टाफ आता था ब्रीडिंग को चेक करने के लिए, उसने भी घरों के अंदर वो चेकिंग नहीं की है। इसलिए इस अभियान के अंदर हम सब लोगों को जोड़ रहे हैं, हम एनजीओस को, आरडब्ल्यूएस को और संस्थाओं को जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि सब लोग मिलके जो है डेंगू के खिलाफ ये अभियान करें, वरना दिल्ली के अंदर इससे काफ़ी कठिनाई आ सकती है।